अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ फजी ब्राउनी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, मॉइस्ट और फजी सी होगी और बिल्कुल बेसिक और परफेक्ट सी रेसिपी है ये। तो अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। फजी ब्राउनी के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 150 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है और इसको हम लोग डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे। एक पॉट लिया है, इसके अंदर हम लोगों ने पानी रख दिया है और इसके ऊपर अब हम लोग ये चॉकलेट रख देंगे। फ्लेम को हम लोग हाई कर देंगे ताकि इसको बॉयल आ जाए और चॉकलेट हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता देखें, हमारी चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब साथ ही इसमें यहाँ पर हम लोग बटर डाल देंगे। 100 ग्राम हम लोग बटर यूज़ कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लें चॉकलेट के साथ। चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर भी यूज़ कर सकते हैं आप। चॉकलेट यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसको अब हम लोग फ्लेम बंद करके साइड पर कर ठंडा कर लेंगे। चॉकलेट को हम लोग गर्म गर्म यूज़ नहीं करेंगे जब तक ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। इसको हम लोग इसी तरह से रहने देंगे और इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर अब हम लोगों ने फजी ब्राउनी का बैटर रेडी कर लेना है। इसके लिए हम लोगों ने 3 अंडे लिए हैं। अंडे जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। इसको अब हम लोग बीट कर लेंगे। अंडों को देखिए, हम लोगों ने 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग 1 कप पाउडर शुगर डाल देंगे। इसको अब हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी बिल्कुल इसके अंदर डिजॉल्व हो जाए। जैसे जैसे इसको हम लोग बीट करते रहेंगे उसी तरह से इसका कलर भी चेंज होता रहेगा और उसका टेक्सचर भी क्रीमी और फ्लफी सा हो जाएगा। अंडों और चीनी को हम लोगों ने इतना मिक्स किया है कि ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको मिक्स होने में और देखिए कैसे फोमी फोमी सा हो चुका है और अपनी क्वांटिटी का डबल भी हो गया है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून हम लोग वनीला एसेंस डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लें। अब इसके अंदर हम लोग चॉकलेट और बटर का मिक्सचर डाल देंगे जिसको हम लोगों ने पहले मेल्ट कर लिया था। इसको अब हम लोग मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट को हम लोगों ने गर्म यूज नहीं करना, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी इसको हम लोग यूज करेंगे। चॉकलेट भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग 1/3 कप कोको पाउडर डाल देंगे और ये हम लोगों ने छाना हुआ है और इसको मिक्स कर लें। कोको पाउडर को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लोगों ने मैदा डाल देना है। यहाँ पर हम लोग 3/4 कप मैदा यूज कर रहे हैं और ये हम लोग छान कर यूज कर रहे हैं और इसको भी हम लोग हल्के हाथ से फोल्डिंग पोजिशन में मिक्स कर लेंगे। हम लोग सिर्फ इसको इतना मिक्स करेंगे जो मैदा नज़र आ रहा है ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। जितनी अच्छी मिक्सिंग भी है वो कोको पाउडर और मैदा डालने से पहले होनी चाहिए, ओवर मिक्सिंग से ब्राउनी सही नहीं बनेगी। यहाँ पर देखिए मैदा भी बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुका है और ये देखिए इस तरह से हो गया बैटर। अब इसको हम लोगों ने पैन में डाल देना है। इसके लिए हम लोगों ने 7x7 इंच का मोल्ड लिया है और इसको हम लोगों ने ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अगर बटर पेपर ना हो तो आप लोग इसको ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके ऊपर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग ब्राउनी का मिक्सचर डाल देंगे। देखिए कैसे जबरदस्त सा ये रेडी हुआ है। ओवन को हम लोगों ने 180 डिग्री पर 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया है। ब्राउनी का मिक्सचर इसमें डालने के बाद अब हम लोगों ने इसको 4 से 5 दफा टैप करना है ताकि इसमें कोई भी एयर हो तो वो निकल जाए और ये जबरदस्त सी ब्राउनी बने। अब इसको हम लोगों ने ओवन में रख देना है 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पर। थर्टी मिनट हो चुके हैं, हम लोगों ने ब्राउनी को ओवन से बाहर निकाल लिया है और ये देखें कैसी जबरदस्त सी बनी है। अभी ये थोड़ी गर्म है, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तभी इसको हम लोग मोल्ड से बाहर निकालेंगे। ब्राउनी यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है, इसको अब हम लोग मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे और इसको अब हम लोगों ने काट लेना है। हम लोग इसको 3x3 के हिसाब से काटेंगे। फजी ब्राउनी घर में बनाना बहुत इजी है, जस्ट इसके इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट का सही होना बहुत जरूरी है। अगर ये सही होंगे तो आपकी ब्राउनी बहुत ही जबरदस्त सही सी बनेगी। और ये देखें यहाँ पर हम लोग चेक भी कर लेते हैं और ये देखें कैसी जबरदस्त सी बनी है।
तो अब इसको हम लोग डिश में असेंबल कर लेंगे। और यहाँ पर फजी ब्राउनी की देखें फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त सी आई है, और ये बहुत ही टेस्टी और यमी सी बनी है। तो इसको ट्राई ज़रूर करें घर में। कमेंट सेक्शन में फजी ब्राउनी की रेसिपी के बारे में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो देखने को मिलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।